राजगढ़ मध्य प्रदेश आखिर क्यों सीईओ पर भड़क उठे राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने कलेक्टर से कहा कि जो आधार बनते हैं बनाओ, सीईओ को सस्पेंड करो वरना मैं कल सुबह धरने पर बैठूंगा। यह बात मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री व्यावर आयोजित जिला स्तरीय विभाग प्रमुखों की बैठक में राजगढ़ कलेक्टर से कही सीईओ पर 20% रिश्वत लेने का आरोप। क्या है पूरा मामला? राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने गुरुवार को व्यावरा के विश्राम गृह में जिले के सभी विभाग प्रमुखों की बैठक आयोजित की थी। बैठक में पहुंचे सरपंच, संच प्रतिनिधि मंडल के मंत्री के सामने कलेक्टर हर्ष दीक्षित और जिला पंचायत सीईओ महिपिकिशोर तेजस्वी से व्यावरा जनपद सीईओ ईश्वर सिंह वर्मा की शिकायत की। कहा कि ये जहां थे वहां भी निलंबित होकर आए थे, अब यहां स्वीकृत कार्यों पर 20% कमीशन मांग रहे हैं। सरपंच संघ प्रतिनिधि मंडल ने जैसे ही कहा कि जहां थे वहां से निलंबित थे, बहाल होकर यहां आए तो यहां भी फाइल पर साइन करने की एवज में 20% कमीशन मांग रहे हैं, यहां भी यही कार्यक्रम चालू कर दिया। पैसे नहीं देने वालों की फाइल पड़ी रहती है। जिला ब्यूरो चीफ सऊद खान। आज ग्राम जनपद पंचायत ब्यावरा के 109 सरपंच यहाँ पे रेस्ट हाउस पे माननीय सीओ साहब की अनियमितताओं के और उनकी शिकायत के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए माननीय कलेक्टर महोदय और जिला सीओ साहब के यहाँ पे उपलक्ष में, और इनके द्वारा ब्यावरा जनपद में भारी भ्रष्टाचार लूट मचा रखी इनने। हर काम के लिए इनको 10% 5% जब उनके पास राशि पहुँचती है इसके बाद तत्काल मतलब जो है कि फाइल आगे बढ़ती है, और जो जो पैसे नहीं देते उनकी फाइलें पड़ी रहती।